राम राम सारे भजन करते हैं नया ब्लॉग स्टार्ट। तो भाई साहब हम सेकंड पार्ट बनाना आगे हाँ, एक पहाड़ी वार रही अपने पीछे और रमजान नागरी भाया से सुन। अमीन एक बंदा मिल गया था काचरी वाला, काचरी ले लिया अमीन उस पर, उसका नाम नीरज भाई, ब्लॉग में दिखा दें आपने भी आज। यो भाई अपना नाम बता दें, नीरज मिल गया था अमीन, बलविंदर को जा रहा था आप घर ही जा, आपका ही साइकिल को खींचते हुए। एक आस पास पहुंच गए भाई, थोड़ी दूर रही मारता पहाड़ी असीन भाई हाँ, अपना यो जानना रहा बंदा तो सुन, आपको कैसा लग रहा है? आज तो भाई मजा वाली बात करी बंद, मजा वाली बात बताओ भाई सब कोई ना। फाइनली दोस्तों हम सड़क की पहाड़ी द्वारा पहुंच चुके हैं, ये बार आगे आपने दिखावा है सड़क की पहाड़ी, चलो चलते हैं आगे। पहले डडम गाँव की पहाड़ी तो दिखा दी भाई आपने, सड़क की ओर दिखाते हैं। इस पहाड़ी में भाई भीम के गोड्डे हैं, वे दिखावा है आपने, स्पेशल उन खतर आए हैं सारे भाई, हमें आज भीम के गोड्डे दिखावा है। वीडियो है ब्लॉग पूरा देखा करो, पूरा देखिए। और दोस्तों यहाँ से हमारा रास्ता चालू होता है और यहाँ से एक दो रास्ते जा रहे हैं, एक वहाँ पर और एक यहाँ पर, तो पहले हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्या मामला है। फाइनली दोस्तों ऊपर पूछ चुके हैं, ये बाढ़ते दिखावा यार तक के शुद्धा के माहौल है, ये देख सकते हैं आप, हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं और जो सड़क की पहाड़ी जो हुआ अभी काफ़ी दूर हमसे, वहाँ पर अभी जाएंगे हम, अरमान जा रहा है, हम इसके पीछे पीछे चलते हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो घूमने फिरने की जगह होती है, यहाँ पर जो कूड़ा कचरा उसको कम फैलाया करो, ये देख सकते आप दूर दूर तक यहाँ पर प्लास्टिक पड़ा हुआ है, जितना उसके भाई ये प्लास्टिक से दूर रहा करो, कूड़ा कचरा मत फैलाया करो। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बियर भी पड़ी हुई है, कोई टूटी फूटी, ये जो घूमने फिरने की जगह होती है यहाँ पर हमको कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए। लाएंगे दोस्तों ये देख सकते हैं आप सड़क की पहाड़ी जो अभी उस तरफ है, हम आपको वहाँ पर भी ले चलेंगे अभी, बहुत ही शानदार नज़ारा है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये थोड़ी चिप हुई है, दिख नहीं, दिखाई नहीं दे रही है वो, यहाँ से आप जो डाटम का पहाड़ वो भी देख सकते हो, और उस तरफ जो है तुसाम का पहाड़ है, नेक्स्ट व्लॉग हमारा तुसाम के पहाड़ पर होगा, तो करते हैं हमारा व्लॉग कंटिन्यू। वहाँ पर अश्विन खड़ा हुआ था, ऊंचाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो चलो उसको थोड़ा डराते हैं। अश्विन आठ किसा का नज़ारा आ रहा है, बढ़िया नज़ारा के पड़ गया था कौन यार, मैं तुम्हें मजाक करता तरह सत्यों तला पड़ जा रही है, सॉरी भाई सॉरी। वहाँ ऊंचाई देखो कितनी, यहाँ से बहुत ही ऊंचाई पकड़े थे, वीडियो में कम दिक्कत थोड़ी ही ऊंचाई। अश्विन क्या कहता तू, मेरा पंखा खड़ा है भाई, पंखा खड़ा है भाई का, ऐसे रास्ता मिला भाई नीचे दौड़ने का, तर जाएंगे अश्विन आप अड़ के भाई साहब, देखो यहाँ से थोड़ी जंप लगा हुआ अश्विन, खुद देखा पहले अश्विन खुद दे जागा फिर तो भाई, तो चले गया भाई साहब, चलो मैं चलता हूँ वहीं पर। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाते हैं क्या है, यहाँ पर तो होल हवाई, इन होलों में देखते हैं क्या है। यहाँ पर भाई पहले काम चल लिया करता क्रेशर का, तो यहाँ से क्रेशर ऊपर जाया करता, पास होया करता, ये देख सकते हैं आप एक होल ऊपर है, यहाँ से भी दिखाएंगे आपको, यहाँ पर जो क्रेशर होता था उन पर पट्टे आया करते, हर पट्टे पर क्रेशर जाया करता, ये देख सकते हैं आप, ऊँचाई पर चलते हैं थोड़ा। ये रमान भाई अपने लिए वीडियो बना रहा है, बैकग्राउंड वीडियो ऊपर ही ऐसे दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं आप अभी पहाड़ी हमसे काफ़ी दूर है, तो यहाँ पहाड़ी पे चलते हैं, अभी सूरज भी ढल चुका है, चलो चलते हैं, लेट नहीं करते फिर, लेट नहीं करते हैं, चलो चलते हैं भीम के गोड्डे दिखाने आज तो। ये यहाँ से ही देखो भाई कितनी ऊपर ऊंचाई है, रमान ने प्रैंक कराया था थोड़ा मेरे के लिए,
लाड़ते पड़ जड़ तो भाई आटे गोडे टूट जा रहे मार घर क्या कह के हूँ अरमान तो छोटी की बात जा रहा मैंने चलते हैं पहाड़ी की ओर। आज तो अरमान सारे भीम की गोडी दिखाई के मानने का 5 बजे आ लिया था अपना घर ही। तो दोस्तों आप ही ऊपर जा रहे हैं ये देख सकते हैं आप यहाँ से ऊपर जाएं भाई और तो रास्ते भी बन पा रहे पहाड़ी ऊपर है रास्ते भी टोने पड़े हैं और तो भाई खड्डा आ गया रास्ता बंद है अब इन फिर उल्टा आगे जाना पड़ेगा। आ जा अरमान भाई आ जा चलते हैं हम ऊपर ये जा रहे हैं भाई फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं ये आप पहाड़ी देख सकते हो अभी हमको वहाँ पर ऊपर जाना है वहाँ पर आपको दिखाएंगे जो भीम के गोड्डे हैं वे बहुत दूर हैं वे हमको जाएंगे फिर भी आपके लिए हम वहाँ पर जाएंगे आपको दिखाएंगे आज तो भीम के गोड्डे तो चलिए चलते हैं। अश्विन ने पता है रास्ता अश्विन आगे आगे हो रहा है भाई मैं इसके पीछे पीछे हो रहा हूँ मेरा तो डर जाए थोड़ा आराम से चल ले चल है पहाड़ी के पास पहुंच गए यहाँ पर चढ़ते हैं वैसे ऊपर बहुत ज़्यादा डर भी लागन ना गया भाई दोनों एक ले आ रहे हाँ उड़ जा लिया अश्विन तो नली हमारी ट्रैकिंग चालू होगी भाई ऊपर चढ़ने वाली 5 ही चढ़ा है चलो चढ़ते हैं ऊपर नली। दोस्तों हम ऊपर आ चुके हैं ये देख सकते हैं आप हम कितनी ऊंचाई पे आए हुए हैं और वहाँ पर देख सकते हैं आप जो खेत हैं वहीं पर जो आपको सड़क भी दिख रही होगी तो अब चलते हैं ऊपर ये देख सकते हैं आप अभी बहुत ऊपर जाना बाकी है अरमान भाई चलना चलो और की चलते हैं भाई आगे काफ़ी ऊंचाई पर आ गया भाई आगे कौन जाया जा रहा मसा जावा हाँ ये देखा आप ये देख सकते हैं आप जा रहे और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं यहाँ से कैसे जाए फिर भी आपके लिए हम जा रहे हैं देखते हैं वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद आपको दिखाएंगे भीम के गोड्डे। दोस्तों मैं काफ़ी आगे पहुँच चुका हूँ अरमान को देख सकते हैं आप वहीं पर लटका हुआ है इससे आगे आया नहीं जा रहा है तो दोस्तों अभी शाम होने वाली है देख सकते हैं आप सूरज जो है वो छिप चुका है और हम यहाँ से अभी आगे नहीं जा पा रहे हैं हमको रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत झाड़ियाँ हैं जहाँ पर हम गिरे हुए हैं लेकिन ये जहाँ तक हम आए हुए हैं वहाँ तक आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से ये अरमान का ब्रूट लग गया भाई अभी दिखाते हैं आपको उनका भाई का ब्रूट लग गए हैं ये देख सकते हैं आप भाई तारण ला रहे ब्रूटा ने मेरे भी लाग रहे हैं मैं भी तार लूँ एक मिनट रुको आप भीम के गोड्डे तो बस पाए को नहीं कभी बढ़िया मानस ले आवा मार गया जिसने बेरा हुआ कड़सी भीम के गोड्डे जिद टोके आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे भाई साहब चलो चलते हैं घर पे भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।